घने जंगल के अंदर जहाँ नदी शांति से बहती थी, जहाँ हवा बहुत स्वच्छ थी और जहाँ खाने की कोई कमी नहीं थी, वहाँ अपना दोस्त मंचू बंदर रहता था। थोड़ी ही दूरी पर दो मगरमच्छ रहते थे, श्री और श्रीमती काछू। एक दिन श्रीमती काछू अपने परिवार के लिए भोजन पका रही थी। प्रिय, आपने देखा, मंचू दिनों दिन हट्टा कट्टा होता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मंचू को मछली के साथ पकाएं, तो मछली और भी स्वादिष्ट हो जाएगी। आप उसे पकड़ क्यों नहीं लाते? मैं जरूर ले आता प्यारी, लेकिन वो तो पेड़ पर रहता है और मैं पेड़ पर चढ़ नहीं सकता हूँ। अरे, आप तो बहुत चतुर हैं, उस मूर्ख बंदर को आसानी से पकड़ सकते हैं। चतुर तो मैं हूँ, बस तो आप सिर्फ उसे यहाँ ले आइए, उसका दिल निकालना मेरा काम है। अच्छा, मुझे एक उपाय सूझा है। अब मैं तुम्हारी मछली के लिए मंचू का दिल लाकर ही रहूंगा। श्री काछू नदी पार करके मंचू से मिलने जाते हैं। और बहुत अच्छे दोस्तों जैसा व्यवहार करते हैं। नमस्ते मंचू, मेरे प्यारे दोस्त। मैंने अभी अभी पक्षियों से सुना है कि नदी के उस पार बहुत ही बढ़िया फल लगे हैं। क्या तुमने कभी चखे हैं? अरे सच, मैंने तो नहीं चखे हैं, क्योंकि मैं तो तैर ही नहीं सकता हूँ और नदी बहुत गहरी है। ये तो सच है। ए, मुझे एक युक्ति सूझी है। क्यों ना तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें उस पार ले चलूं। वाह काछू, यह तो बहुत ही अच्छी युक्ति है, चलो चलें। मंचू काछू की पीठ पर चढ़ गया और वे नदी पार करने लगे। पर जैसे ही नदी के बीच में पहुंचे, काछू मगर धीरे धीरे पानी में नीचे जाने लगा। काछू, मेरे पैर पानी में गीले हो रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ज्यादा देर नहीं डरोगे, तुम्हें डरना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। मारने? क्यों, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, बस। बेचारे मंचू का डर के मारे बुरा हाल था और वह जान बचाने के लिए दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ा रहा था। और तभी उसे एक उपाय सूझा और वह जोर जोर से हंसने लगा। चुप रहो मूर्ख बंदर, तुम्हें मरने की खुशी हो रही है? काछू, तुम मूर्ख बन रहे हो। तुम मुझे मार तो सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरा दिल नहीं मिलेगा। काछू चौंक पड़ा। हम बंदर अपने दिल को पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं, अपने साथ लेकर घूमते नहीं रहते हैं। सच? मंचू समझ गया कि काछू उसकी बातों में फंस रहा है, इसलिए निश्चिंत होने का नाटक करके काछू को नदी के किनारे की तरफ चलने को कहा। हे भगवान, मैं अपनी बिचारी पत्नी से क्या कहूंगा? कोई बात नहीं काछू,
कोई भी इस बारे में नहीं जानता है। फिर तुमने भी तो मुझे फलों के बारे में बताया था, मुझे भी तुमको अपने दिल के बारे में बताना चाहिए ना। अब तो काछू पूरी तरह असमंजस में पड़ गया और मंजू के कहने पर मंजू के पेड़ की ओर मुड़ गया। मंजू खुश था कि चतुराई काम आएगी। जल्दी काछू जल्दी, उस बड़े पेड़ पे मेरा दिल रखा है। इससे पहले कि काछू कुछ समझ पाता, वे नदी के किनारे पहुंचे और चतुर बंदर झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। दिल मिला तुम्हारा, देर हो रही है, जरा जल्दी करो। तुम्हें मेरा दिल कभी नहीं मिलेगा बुद्धू मगर, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम दिल शरीर के अंदर होता है। जाओ भाग जाओ अपनी बीबी के पास, तुम मुझे खाओगे, इस विचार को भी दिमाग से निकाल दो। इस तरह मंजू ने बुद्धि के बल से अपनी जान बचाई। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, जो मुसीबत में न घबराए वह जगत में पाए विजय।